तेरा वचन मेरे पाँव के लिए दीपक है और मेरे मार्ग का उजियाला है। तेरा वचन मेरे पाँव के लिए दीपक है। पहला पाठ सैमुएल का दूसरा ग्रंथ अध्याय 7 पद संख्या 4-5 12-14 और 16 आयत। प्रभु की वाणी नातान को ये कहती हुई सुनाई पड़ी, मेरे सेवक दाऊद के पास जाकर कहना, प्रभु ये कहता है, जब तुम्हारे दिन पूरे हो जाएंगे और तुम अपने पुरखों के साथ विश्राम करोगे, तो मैं तुम्हारे पुत्र को तुम्हारा उत्तराधिकारी बनाऊंगा और उसका राज्य बनाए रखूंगा। वह मेरे आदर में एक मंदिर बनवाएगा और मैं उसका सिंहासन सदा के लिए सुदृढ़ बना दूंगा। मैं उसका पिता होऊंगा और वह मेरा पुत्र होगा। तुम्हारा वंश और तुम्हारा राज्य मेरे सामने बने रहेंगे और उसका सिंहासन अनंत काल तक सुदृढ़ रहेगा। ये प्रभु की वाणी है। ईश्वर को धन्यवाद। भजन अनुवाक्य। उसका वंश सदा सर्वदा बना रहेगा। उसका वंश सदा सर्वदा बना रहेगा। हे प्रभु, मैं सदा ही तेरी कृपा का गीत गाता रहूंगा। मैं पीढ़ी दर पीढ़ी तेरी सत्य प्रतिज्ञता घोषित करता रहूंगा। तूने कहा, मेरी कृपा सदा ही बनी रहेगी, मेरी सत्य प्रतिज्ञता आकाश की तरह चिरस्थाई है। अनुवाक्य। उसका वंश सदा सर्वदा बना रहेगा। मैं अपने कृपा पात्र को प्रतिज्ञा दे चुका हूँ। मैंने शपथ खाकर अपने सेवक दाऊद से कहा, मैं तुम्हारा वंश सदा सर्वदा के लिए स्थापित करूँगा, तुम्हारा सिंहासन युग युगों तक सुदृढ़ बनाए रखूँगा। अनुवाक्य। उसका वंश सदा सर्वदा बना रहेगा। वह मुझसे कहेगा, तू ही मेरा पिता, मेरा ईश्वर और मेरा उद्धारक है। मेरी कृपा उस पर बनी रहेगी, मेरी प्रतिज्ञा उसके लिए चिरस्थाई है। अनुवाक्य। उसका वंश सदा सर्वदा बना रहेगा। दूसरा पाठ रोमियो के नाम संत पौलुस का पत्र अध्याय 4 पद संख्या 13 16-18-22 तक। ईश्वर ने इब्राहिम और उसके वंश को प्रतिज्ञा की थी कि वे पृथ्वी के उत्तराधिकारी होंगे। यह इसलिए नहीं हुआ कि इब्राहिम ने संहिता का पालन किया, बल्कि इसलिए कि उसने विश्वास किया और ईश्वर ने उसे धार्मिक माना है। वह प्रतिज्ञा विश्वास पर और इसलिए कृपा पर भी निर्भर रहती है। वह ना केवल उन लोगों पर जो संहिता का पालन करते हैं, बल्कि समस्त वंश पर लागू होती है। उन सबों पर जो इब्राहिम की तरह विश्वास करते हैं। इब्राहिम हम सबों का पिता है, जैसे कि लिखा है, मैंने तुमको बहुत से राष्ट्रों का पिता
नियुक्त किया है। ईश्वर की दृष्टि में इब्राहीम हमारा पिता है। उसने ईश्वर में विश्वास किया जो मृतकों को जिलाता है और शब्द मात्र कहकर चीज़ों की सृष्टि करता है। इब्राहीम ने निराशजनक परिस्थिति में भी आशा रखकर विश्वास किया और वह बहुत से राष्ट्रों का पिता बन गया, जैसे कि उससे कहा गया था, तेरे असंख्य वंशज होंगे। उस विश्वास के कारण ईश्वर ने उसे धार्मिक माना है। ये प्रभु की वाणी है। ईश्वर को धन्यवाद। हे प्रभु, तेरे मंदिर में रहने वाले धन्य हैं, वे सदा तेरी स्तुति गाते हैं। संत मती के अनुसार पवित्र सुसमाचार अध्याय 1 पद संख्या 16, 18 से 21 तथा 24। यूसुफ ने दूत के आदेश का पालन किया। याकूब से मरियम का पति यूसुफ उत्पन्न हुआ और मरियम से यीशु उत्पन्न हुए, जो मसीह कहलाते हैं। मसीह का जन्म इस प्रकार हुआ, उनकी माता मरियम की मंगनी यूसुफ से हुई थी, परंतु ऐसा हुआ कि उनके एक साथ रहने से पहले ही मरियम पवित्र आत्मा से गर्भवती हो गई। उसका पति यूसुफ उसे चुपके से त्याग देने की सोच रहा था, क्योंकि वह धर्मी था और मरियम को बदनाम नहीं करना चाहता था। वह इस पर विचार कर ही रहा था कि उसे स्वप्न में प्रभु का दूत यह कहते हुए दिखाई दिया, हे यूसुफ, दाऊद की संतान, अपनी पत्नी मरियम को अपने यहाँ लाने से नहीं डरें, क्योंकि उनके जो गर्भ है वह पवित्र आत्मा से है। वह पुत्र प्रसव करेगी और आप उसका नाम यीशु रखेंगे, क्योंकि वह अपने लोगों को उनके पापों से मुक्त करेगा। यह सब इसलिए हुआ जिससे नबी के मुख से प्रभु ने जो कहा था वह पूरा हो जाए, देखो एक कुआरी गर्भवती होगी और पुत्र प्रसव करेगी और उसका नाम इमानुएल रखा जाएगा, जिसका अर्थ है ईश्वर हमारे साथ है। यूसुफ नींद से उठकर प्रभु के दूत की आज्ञा के अनुसार अपनी पत्नी को अपने यहाँ ले आया। यूसुफ का उससे तब तक संसर्ग नहीं हुआ जब तक उसने पुत्र प्रसव नहीं किया, और यूसुफ ने उसका नाम यीशु रखा। यह प्रभु का पवित्र सुसमाचार है। क्रिस्त की जय।